ताजा होले विद रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हर रोज हम आपको नई कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। पवन साई तेजा की कहानी इन्हीं बातों को बयां करती है। पवन साई तेजा 22 वर्ष के हैं और तेलंगाना के रहने वाले हैं। जब ये 10वीं क्लास में थे तभी इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। इनके माता पिता एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इन्होंने अपने हौसले को नहीं खोया, भले ही ये पूरी तरीके से अकेले हो चुके थे क्योंकि बहुत कम उम्र थी जब इनके माता पिता चल बसे। ये बहुत अकेले हो गए थे लेकिन पिता की वो बात इनके रहन में थी क्योंकि इनके पिता यह चाहते थे कि ये भी पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की तरह बने और इसीलिए उन्होंने उनके बुक इनको दिए थे कि ये पढ़ें और उसके बाद उन बातों को अपने ऊपर रुख कराएं और ये भी देश के लिए कुछ काम करें। उनके पिता चाहते थे कि पवन देश के लिए कुछ करें, देश को आगे बढ़ाएं किसी भी क्षेत्र में, क्यों ना। तो इन्होंने साइंस के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का सोचा। जब इनके माता पिता चल बसे तो एक प्राइवेट स्कूल से इन्होंने 12th कम्प्लीट किया। अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद से इन्होंने JEE एग्ज़ाम दिया। JEE पहले क्वालिफाई किया, फिर JEE एडवांस क्वालिफाई किया अच्छे नंबर्स के साथ। IIT दिल्ली में एज एन इंजीनियर इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने 82% रैंक हासिल किया, स्कोर किया। और उसके बाद जब वहाँ प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आने लगी तो लगभग हर कंपनीज में इनके प्लेसमेंट हो जाया करते थे, लेकिन इसरो ने इन्हें रखा अपने बेंगलुरु के एक डिपार्टमेंट जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर डिपार्टमेंट है, वहाँ एज साइंटिस्ट के नियुक्त किए गए हैं और अब वहीं वो कार्यरत हैं। तो इस तरीके से देश को तो वो अपना सहारा दे ही रहे हैं, लेकिन पिता, उनके पिता का जो सपना था उसे भी इन्होंने पूरा कर दिया। पवन साई तेजा बहुत ही संघर्षों से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप सोच सकते हैं जिनके माता पिता नहीं होते वो एक तरह से बेसहारा हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो सोचा कि वो क्या आगे कर सकते हैं, अब इनके माता पिता तो नहीं हैं लेकिन उनके सपने तो हैं। उनके सपने को इन्होंने आगे बढ़ाया, सपने को पूरा किया केवल 22 वर्ष की आयु में, जिस वर्ष की आयु में अभी काफ़ी लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो अलग बात है, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है, हम किसी के कैपेबिलिटीज़ पर सवाल नहीं उठा सकते। तो इस प्रकार से पवन साई तेजा ने अपने पिता की सपने को पूरा किया, इसरो में साइंटिस्ट बन चुके हैं। तो आप सब भी इनकी कहानी सुनकर ज़रूर प्रेरित होंगे। आगे और भी आपको कहानियाँ जाननी हैं ऐसे सक्सेस स्टोरीज़, तो आप हर रोज़ हमसे इसी वक्त मिल सकते हैं ताज़ा होली विद रिया में। लगातार हम आपको एपिसोड्स में ये खबरें बताते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी आज तमाम अपडेट्स के लिए, देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ PR के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।